अब बढ़ते हैं कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के मामले में राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि अन्यायी बीजेपी सरकार की ताकत का ये घिनौना प्रदर्शन है। कोरोना वॉरियर पर बेरहमी की गई है और इसलिए क्योंकि वो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर हमला बोला। गुरुवार को भोपाल के नीलम पार्क में आपको बता दें धरने के दौरान ये लाठीचार्ज हुआ था। बिना अनुमति के दरअसल ये प्रदर्शन चल रहा था। सरकार से सेवा बहाली नियमितीकरण की मांग कर रहे थे स्वास्थ्य कर्मी। कोविड-19 के चलते अस्पतालों और अन्य जगहों पर सेवाएं दी गई थी, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था और इसके बाद इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का ये कहना था कि अब इन्हें नियमित किया जाए, तो ऐसे में नीलम पार्क में प्रदर्शन करने के लिए ये स्वास्थ्य कर्मी बैठे हुए थे जिन पर लाठीचार्ज किया गया। अब इसको लेकर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया और उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का शर्मनाक, कोरोना वॉरियर्स पर इस तरह बेरहमी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने हक की नौकरी के लिए धरना दे रहे थे। अन्यायी बीजेपी सरकार की प्रशासनिक ताकत का घिनौना प्रदर्शन। तो बीजेपी पर साफ तौर से राहुल गांधी ने हमला बोला है। हालांकि अब ये देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये हमला बोला है। वासु हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। वासु, जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए कोरोना वॉरियर्स जो कि लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं भोपाल में, उनकी मांग है कि उनको सेवाओं में निरंतर जारी रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण रहा उस काल में उन्होंने निरंतर अपनी सेवाएं दी है और अब भी संक्रमण जारी है। ऐसे में उन्हें हटाया ना जाए और उनकी सेवाएं जो है वो जारी रहे। लेकिन कल जिस तरीके से मध्यप्रदेश में कोरोना वॉरियर्स को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, उस पर अब कांग्रेस की ओर से हमला शुरू हो गया है। कमलनाथ ने पहले हमला बोला, ट्वीट किया, और उसके बाद अब राहुल गांधी जो देश के बड़े नेता माने जाते हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए भाजपा को घेरा है और कहा है कि कोरोना वॉरियर्स पर ऐसी बेरहमी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा रही थी, जबकि वो अपनी नौकरी और हक के लिए सिर्फ धरना दे रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। अब ये देखना होगा वासु उस पर क्या बीजेपी प्रतिक्रिया देती है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को शर्मनाक बताया और कहा कि ये जो प्रदर्शन हुआ ये अन्यायी बीजेपी सरकार की ताकत का घिनौना प्रदर्शन। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। और फिलहाल ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये नीलम पार्क में जो प्रदर्शन हुआ था, ये तब की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इन पर लाठीचार्ज किया गया था। इनकी मांगे हैं कि इनको नियमित